हाँ गाइस, स्कोडा की ऑक्टेविया है जिसमें हम पार्किंग ब्रेक डाल रहे हैं। आय का व्यू देखिए पहले, और उसके बाद में हम जो मैनुअल पिस्टन होती है पार्किंग की, वो बहुत ही मुश्किल से दबती है, और उससे मैकेनिक दूसरी चीज़ों से उसको दबाते हैं। आज हमारे पास टूल है, बहुत ही शानदार टूल है। ये देखिए, ये हमारी 6 नंबर की, पहले तो ये हमारी जो रोटी होती है इसको रखते हैं हम, इसको हम अंदर लगा के देखते हैं। ठीक है, 6 नंबर की होती है, और इसको जो पिस्टन होती है उसको फिक्स हो जाती है, बिल्कुल उस पर लग जाती है, और लॉक कट होते हैं तो कट में सेट हो जाती है, चाल नहीं रहती है बिल्कुल भी। ठीक है, उसके बाद में हम ये टूल हैं दोनों के इसके होलों में डालेंगे, ये फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, उसके ऊपर से जो हमारा जो इसका जो ये क्लिप है, हम इसको ऊपर से डालेंगे इस तरह से। ठीक है, ये हमारा पुलर बन के तैयार है। अब हम अंदर इसके हमारे कैलिपर में फिट करेंगे। ये देखिए, ये जो छेद है हमारे उसमें पिस्टन के होल में फंसना चाहिए, ये सही तरीके से सेट करते हैं। अब पीछे को हम इसको लूज़ कर देते हैं तो हमारा पुलर टाइट हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। अब हमें इसकी जो चूड़ियाँ हैं हैंडल से इसको टाइट करना है। जैसे जैसे हम टाइट करते रहेंगे वैसे वैसे हमारे पिस्टन अंदर दबती रहेगी, और बहुत ही आराम से, बहुत ही सॉफ्ट तरीके से हमारे पिस्टन अंदर हो जाएगी, और हम ब्रेक पैड आसानी से डाल पाएंगे। क्योंकि पार्किंग जो पिस्टन होती है ना, पार्किंग जो ब्रेक की, बहुत ही मुश्किल से अब हम खोलेंगे इसको। ये देखिए, हमारी दब चुकी है, बिल्कुल फ्रेश तरीके से दब चुकी है, ना कोई दिक्कत, ना परेशानी, कुछ नहीं। तो यही टूल मैकेनिक इस्तेमाल करें ताकि आपको चोट भी ना लगे और काम भी आसानी तरीके से हो। हाय, थैंक यू।